विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के दूसरे आह्निक का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अवयव अवयवी प्रकरण में हम कुछ चीज़ें देखा। अवयव अवयवी प्रकरण के ही मध्य में परमाणु निरवयव प्रकरण का एक प्रसंग आया, जिसमें परमाणु को निरवयव सिद्ध किया गया और परमाणु को निरवयव सिद्ध करके यह बताने का प्रयत्न महर्षि ने किया कि परमाणु प्रत्येक पदार्थ के अंतिम कण होते हैं, उन परमाणु से मिलकर के वस्तुएं बनती है। वो परमाणु सबके अलग अलग हो सकते हैं, पृथ्वी के परमाणु अलग हो सकते हैं, जल के परमाणु अलग हो सकते हैं, तेज के परमाणु अलग हो सकते हैं, वायु के परमाणु अलग हो सकते हैं। तो सबके परमाणु अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब उस पदार्थ को तोड़ते तोड़ते अंतिम अवस्था में ले जाएंगे तो परमाणु में जा करके स्थिर हो जाएगा, उसके बाद उसको और नहीं तोड़ा जा सकता। तो वह परमाणु नित्य होते हैं और उसी परमाणु को भगवान की इच्छा से जब सृष्टि होती है, जब प्रलय होता है, तो प्रत्येक वस्तु खंडित हो जाती है। अब वह खंडन जिस प्रकार से हो, तो खंडित होकर के वस्तु विलीन हो जाती है, अपने कारण में लीन हो जाती है, क्योंकि टूटते 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 एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी कि अदृश्य गायब हो जाएगी, उसे प्रलय कहते हैं। और प्रत्येक पदार्थ का जो सावयव है, जो मूर्तमान है, जो परमाणुओं से मिलकर बने हैं, कार्य द्रव्य हैं, उनका एक सीमा है काल का कि वो इतने दिन तक रह सकते हैं। क्योंकि कोई भी हम पदार्थ देखते हैं सावयव, उसकी एक सीमा है क्योंकि वो सावयव है। तो पार्थिव पदार्थ या जो भौतिक पदार्थ हैं उनकी सीमा है, वह परमानेंट नहीं रह सकते, उनका नाश होना ही है। तो इस प्रकार से जब जगत की आयु एक निश्चित की गई महर्षियों के द्वारा क्या निश्चित की गई, स्वयं भगवान के द्वारा निश्चित की गई, महर्षि उसको बताते हैं भगवान की प्रेरणा से कि लगभग 2 अरब वर्ष इस सृष्टि की आयु बताई और उसके बाद सृष्टि का प्रलय बताया। सृष्टि प्रलय ये चक्र चलता रहता है, कितने बार सृष्टि हो चुका, कितने बार प्रलय हो चुके, ये क्रम, कितने बार हमारे जन्म हो चुका, कितने बार हम मर चुके हैं। तो जन्म मृत्यु सृष्टि प्रलय ये प्रक्रिया चलता ही रहता है। तो प्रलय में सारा का सारा जगत परमाणु में चला जाता है, परमाणु में स्थिर हो जाता है और फिर परमात्मा की इच्छा से वह परमाणु फिर आपस में जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? तो परमात्मा के संकल्प से जुड़ते हैं। परमात्मा जब इच्छा करता है, तदैक्षत बहुश्याम, इस प्रकार से उपनिषद में कहा है कि भगवान जब संकल्प करते हैं, तो जब संकल्प करते हैं तो उन वस्तुओं में, उन परमाणुओं में हलचल होने लगती है। भगवान ऐसे नहीं करते जैसे हमारे जैसे हाथ पैर चला करके वो जगत का निर्माण नहीं करते, क्योंकि हाथ पैर में तो परमात्मा सीमित हो जाएगा। तो परमात्मा असीम है, असीम होने से उनके हाथ पैर नहीं हो सकते, क्योंकि एक हाथ पैर वाला व्यक्ति कितना कर पाएगा, सीमा में बन जाएगा। तो इतनी बड़ी संरचना हाथ पैर से संभव नहीं है। तो परमात्मा बिना हाथ पैर के रचते हैं, इस जगत का निर्माण करते हैं। वह निर्माण कैसे होगा? तो कहते हैं कि परमात्मा के संकल्प से होगा। संकल्प का तात्पर्य होता है कि परमात्मा ने बस संकल्प लिया कि अब मैं करूं, इतने से ही परमाणुओं में हलचल पैदा हो गया। परमात्मा इतने ऐश्वर्यवान हैं, परमात्मा इतने शक्तिशाली हैं कि
उनके संकल्प मात्र से। अब ये बातें समझ में नहीं आती, संकल्प मात्र से कैसे होता है? संकल्प मात्र का तात्पर्य है कि परमात्मा को श्रम नहीं करना पड़ता। जैसे हम किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसमें हमें श्रम लगाना पड़ता है, फिर हमें थकान होती है, हमारे ऊर्जा का ह्रास होता है, फिर हमें सोना पड़ता है, फिर औषधि लेनी पड़ती है, खाना पीना पड़ता है, तब जाकर के पोषण प्राप्त, तब जाकर बल आता है। परमात्मा ऐसे नहीं है। परमात्मा सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनको खाने पीने की भी आवश्यकता नहीं है और उनको शरीर धारण करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो संकल्प मात्र से सारे परमाणुओं में हलचल पैदा कर देते हैं, और जब परमाणु हलचल को प्राप्त होते हैं तब आपस में जुड़ने लगते हैं। जो जिसका परमाणु है वो आपस में जुड़ जुड़ करके फिर वस्तुओं का निर्माण होने लगता है, फिर पूरा जगत का निर्माण होता है। वो प्रक्रिया आती है वैशेषिक दर्शन के प्रशस्त पाद भाष्य में भी, सृष्टि प्रक्रिया है, उसमें ये बताया कि परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा और अणुओं के संयोग से, द्वेणुक आदि क्रम से, परमाणु दो चिपके उसे द्वेणुक कहेंगे, फिर वो दो और चिपके, दो और चिपके, ऐसे करते 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 एक महद अंड का निर्माण करते हैं, बहुत बड़ा अंड का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से मुर्गी अंडा देती है तो अंड वो जो है उसके अंडे के अंदर जो है छिपा रहता है वो बच्चा उसका, इसी प्रकार से कुछ काल तक तो एक महद अंड के रूप में, ये एक बहुत बड़ा अंड का आप उसका कल्पना करिए कैसा अंड होगा वो, जिसमें पूरी पृथ्वी है, सूर्य है, ग्रह नक्षत्र है, उसी ही अंड में कुछ देर तक, कुछ दिन तक वह अंड तपता है परमात्मा के द्वारा, तो तपाया जाता है, फिर उसके अंदर विकसित रूप से जब वह अंड फूटता है तो उस अंड के अंदर से ये सारी पृथ्वी, ये सारे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र उससे उत्पन्न होते हैं। अब उसी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, इसलिए ब्रह्मांड कहा जाता है। शब्द का जो निर्माण किया गया है उसको समझिए, ब्रह्म का अंड, ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांड कहने का तात्पर्य होगा कि ब्रह्म उससे भी बड़ा है, वो तो एक अंड मात्र है जो हम देख रहे हैं, ब्रह्म तो उससे भी विशाल है। तो वह इस प्रकार से जगत की रचना करते हैं भगवान, संकल्प से करते हैं, उनको और हाथ पैर चलाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें श्रम आदि नहीं होते कि इतने बड़े महान सृष्टि की रचना कर दी तो बहुत थक गए, फिर कितने दिनों के लिए सो गए, ऐसा नहीं होता। परमात्मा के संकल्प मात्र से सृष्टि होती है और परमात्मा के संकल्प मात्र से ही संहार होता है, फिर सृष्टि विनाश होती है। थोड़ा सा संकल्प कर देंगे, थोड़ी सी इच्छा, जैसे हमारे अंदर इच्छा हुई किस चीज़ की, उतने मात्र से उनका होता, परंतु हमारा तो नहीं होता। हमने इच्छा किया कि ये काम हो जाए, इतने मात्र से नहीं होता, उसके लिए बहुत ताम झाम करने पड़ते हैं, फिर भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे अंदर ऐश्वर्य नहीं है और परमात्मा परमैश्वर्य से युक्त है। इस कारण से उनके द्वारा जो सृष्टि का निर्माण होता है वो संकल्प मात्र से होता है। जिसके पास ऐश्वर्य होता है वो अपेक्षाकृत हाथ पर नहीं चलाता। जैसे एक मजदूर है, मजदूर में ऐश्वर्य कम है, धन का ऐश्वर्य, बुद्धि का ऐश्वर्य, एक जो है किसी वस्तुओं का निर्माण करने में धन का ऐश्वर्य, ज्ञान का ऐश्वर्य, इस प्रकार का ऐश्वर्य होते हैं। जो अत्यंत ज्ञानवान होता है वह ज्यादा शरीर नहीं चलाता, वह बैठे बैठे कर लेगा। जो ज्यादा ऐश्वर्यवान है, जो धन संपदा जिसके पास भरपूर है, वो क्या करते हैं, केवल उनको आदेश देना होता है किसी काम करने के लिए, कोई चीज बनाना हो, भवन बनाना हो, सड़क बनाना हो, कुछ भी काम करना हो, वो बोल देंगे कि भाई ऐसा कर दो, बन जाएगा। उनको भी बोलना पड़ता है क्योंकि ये जगत में इनकी भी सीमा है। जगत में कितना भी कोई व्यक्ति शक्तिशाली मनुष्य होगा तो उसका भी ऐश्वर्य सीमित है, उसको भी बोलना पड़ेगा, उसको भी बार बार मीटिंग बुलानी पड़ेगी, बार बार उनको देखना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा कि ये जो हमने बताया वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से उतना श्रम उनको भी करना पड़ता है, लेकिन अपेक्षाकृत एक मजदूर से कम श्रम करना पड़ता है उसको।
वही मजदूर को भवन का निर्माण करना हो व्यक्तिगत रूप से, उससे हो नहीं पाएगा, जीवन चला जाए कर्म करते करते तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि ऐश्वर्य नहीं है उसके पास। तो ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति जो रहता है अपेक्षाकृत कम हाथ पैर चलाता है, और जो परम ऐश्वर्य होगा उसको तो चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार से परमात्मा जगत की रचना इस प्रकार से करते हैं। अब जो पूर्व में प्रसंग आया था अवयव अवयवी को लेकर के, परमाणु के निरवयव को लेकर के, और इस प्रकार से जगत आदि की रचना की बताई। अब एक सिद्धांत बौद्धों का ये आता है, जो माध्यमिक बौद्ध हैं वो कहते हैं कि ये जो जगत है वो है ही नहीं। जब जगत के पदार्थ हैं तो उसको बनाना, उसके मूल में जाना और फिर मूल से जो है पदार्थ के निर्माण तक आना, ये सब करने के तामझाम ही खत्म हो जाएंगे जब हम जगत को कल्पित मान लेंगे। यानी कि जगत है ही नहीं, जो दिख रहा है वो भ्रम है, जो हमें दिख रहा है, जो कुछ भी हमारे सामने दिख रहा है वो सब भ्रम है। भ्रम का मतलब जैसे हम स्वप्न में देखते हैं, स्वप्न की देखी हुई वस्तु होती नहीं है लेकिन होती हुई दिखती है। वहां भोजन नहीं होता है लेकिन भोजन से हम स्वाद लेते हैं। वहां पर बंधु बांधव नहीं होते क्योंकि शरीर तो सैया पर लेटा हुआ है, परंतु सैये पर लेटे लेटे हम कहां से घूम कर आ जाते हैं, कहां कहां चले जाते हैं, कहां दौड़ कर आ जाते हैं, तो ये कैसे होता है? वो सब कल्पित होता है, न होते हुए भी। लेकिन जब तक हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखते समय हमको ये आभास नहीं होता कि ये वस्तु नहीं है, वो तो सच जैसा ही लगता है। इसी प्रकार से बौद्धों का एक मत है कि ये सारा जगत क्या है? आभास है, सारा जगत सपना है। और कहते भी हैं ये सारा जगत सपना है। सत हरि भजन जगत सब सपना, ओमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो यहां पर सपना का तात्पर्य अनित्य से है, अस्थाई से है, परमानेंट वो नहीं है। इस अर्थ में सपना का अर्थ है, सपना का अर्थ का, जगत को सपने का तात्पर्य जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं उसका अर्थ है अनित्य। परंतु बौद्धों का मत है कि जगत है ही नहीं। जगत के जो पदार्थ हम अपने सामने देख रहे हैं ये पदार्थ तो है ही नहीं, इनका अस्तित्व ही नहीं है। किस प्रकार से नहीं है? तो उसके लिए एक युक्ति निकालता है, एक बात कहता है पूर्व पक्ष सूत्र संख्या 26 में, बुद्ध्या विवेचनात्तु भावानां यथात्म्यान उपलब्धि तंतोपकर्षणे पट सद्भाव अनुपलब्धिवत तद अनुपलब्धि। कह रहा है कि जैसे हम किसी पदार्थ को बुद्धि से विवेचन करके देखते हैं, बुद्धि से विवेचन का मतलब सोच करके, बुद्धि से कल्पना करके हम देखते हैं किसी भाव पदार्थ को, घटपट आदि वस्तु है, उसको हम थोड़े देर के लिए सोचे बुद्धि से। कैसे सोचे? कोई वस्त्र है, उस वस्त्र के विषय में हम सोचे कि उस वस्त्र के एक एक तंतु का अपकर्षण कर ले, खींच ले, ये एक तंतु खींचे, फिर दूसरा खींचे, फिर तीसरा खींचे, इस प्रकार खींचते 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 सारे तंतु उस वस्त्र के खींच लिए हमने। जब सारे वस्त्र के तंतु खींच लिए तो हमें क्या मिला अंततः? अंततः मिला कि तंतु से अतिरिक्त तो वस्त्र है ही नहीं। यदि तंतु से वस्त्र होता तो तंतु से अतिरिक्त एक वस्त्र भी हमें मिलता, वस्त्र तो नहीं मिल रहा है, केवल तंतु तंतु बच गया। और आप कह रहे हो कि अवयवों से अतिरिक्त, परमाणुओं से अतिरिक्त एक अवयवी होता है, एक कार्य द्रव्य होता है, वो भिन्न होता है, आपका ये मत है। और हम कह रहे हैं कि भिन्न उन कुछ नहीं है, आप थोड़ा विचार करके देखो, वस्तु तो कुछ है ही नहीं। उस तंतु के अंदर से भी रेशा खींच दे, उसके अंदर भी रेशे हैं पतले पतले, उस रेशे को भी खींच दे तो फिर तंतु का अस्तित्व तो नष्ट हो गया, तंतु भी नहीं है। फिर रेशे में से भी जो है रुई के अंश को खींच दे तो रुई के अतिरिक्त रेशा भी नहीं है। उस रुई में से भी हम खींचते चले जाए तो अंततः कहां तक जाएगा? अंततः ये स्थिति ऐसी हो जाएगी कुछ नहीं है, शून्य में सबका परिवसान हो जाएगा। तो सबका परिवसान शून्य में हो जाने के कारण कुछ वस्तु है ही नहीं,
जो भी दिख रहा है भ्रम दिख रहा है आपको, वस्त्र दिख रहा है, वस्त्र के तंतु खींच लेने से वस्त्र का भ्रम हट जाता है, तंतु से फिर रेशे खींच देने से तंतु का भ्रम हट जाता है, फिर रेशे से अंशु खींच लेने से रेशे का भ्रम हट जाता है, अंशु से भी और भी उसे खींच लेंगे तो खींचते खींचते तब पता चलता है कि सब भ्रम है, जो भी दिख रहे हैं सब भ्रम है, वस्तु है नहीं, और वस्तु ना होते हुए भी हमें उपलब्धि हो रही है। इस कारण से बुद्ध्या विवेचनात्तु भावानाम, जितने भी भावात्मक पदार्थ जिसको आप अवयवी कहते हैं, घटपटादि नाम से जो जानते हैं, वो सब पदार्थ को यदि हम बुद्धि से विवेचन का मतलब वो तंतु का, उसके परमाणु का या उसके अवयव को खींचने से, उस अवयव को खींच कर थोड़ा देखें अंत में क्या मिलेगा हमको, वस्तु का अस्तित्व रहेगा, यानी कि वस्तु दिख रही हो तो कल्पित है। मूल में क्या है, मूल में जो वस्तु अवयव के रूप में है वो अवयव भी कल्पित है, घट भी कल्पित है, मिट्टी भी कल्पित है, और फिर अंततः परमाणु भी कल्पित है, तो फिर क्या बचेगा, सब कल्पित है, कुछ नहीं है, सब शून्य है, तो दिख कैसे रहा है फिर, जब सब शून्य है तो दिख कैसे रहा है, तो आगे कहेगा कि ये जो है अज्ञान के कारण दिख रहा है। इसी को विज्ञानवाद कहते हैं, विज्ञानवाद इसी को कहते हैं कि हमने जगत को अपने ज्ञान से बनाया है, हमारे अंदर वासनाएं हैं तो उस वासना के कारण ये जगत दिख रहा है, वासना जैसे ही हटेगी तब लगेगा कि जगत है ही नहीं, ये विज्ञानवाद है। तो उसमें बहुत सारे दोष हैं, विज्ञानवाद में आगे बताएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति एक पदार्थ को, एक गाय को गाय ही रचता है, भैंस को भैंस ही वो रचता है अपने विज्ञान से। भाई कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो तो अलग है कि कामी व्यक्ति को सब कामी ही देखते हैं, क्रोधी व्यक्ति को सब क्रोधी ही देखते हैं, लोभी व्यक्ति को सब लोभी ही देखते हैं, वो अलग है, परंतु कामी क्रोधी लोभी व्यक्ति को भी घट घट ही दिखेगा, पट पट ही दिखेगा, वृक्ष वृक्ष ही दिखेगा, पानी पानी ही दिखेगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। मनुष्य के स्वभाव में भले वो इस प्रकार का देखता हो, परंतु ये जो घटपटादि पदार्थ हैं वो तो ऐसे ही देखता है। तो प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने अनुसार जगत का निर्माण करेगा तो कितने जगत हो जाएंगे, बहुत सारे जगत हो जाएंगे, जितने व्यक्ति उतने जगत, और सबके भी ज्ञान अलग अलग, जैसे स्वप्न सबके अलग अलग होते हैं कि एक होते हैं, स्वप्न में व्यक्ति स्वप्न देखता है, रात में एक ही समय में स्वप्न देख रहा है कई व्यक्ति सो करके, तो उस स्वप्न में सबके स्वप्न एक समान होंगे कि अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे, एक ही काल में स्वप्न अलग अलग जिस प्रकार से होते हैं, ऐसे ही यदि विज्ञान से वो जगत बना लिया है प्रत्येक व्यक्ति ने, तो सबका जगत अलग अलग होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो चोर को बैठा दो तो भी वो जल को जल ही कहेगा, साधु को बैठा दो वो भी जल को जल ही कहेगा, वृक्ष को वो भी वृक्ष ही कहेगा, साधु भी वृक्ष ही कहेगा, सब वही कहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक ही जगत क्यों दिख रहा है, एक ही सूर्य सबको दिख रहा है, एक ही चंद्रमा सबको दिख रहा है, यदि विज्ञान से बना रहा है तो सबका जगत अलग अलग होना चाहिए, किसी का सूर्य ठंडा होना चाहिए, किसी का सूर्य गर्म होना चाहिए, परंतु ऐसा होगा क्या कि किसी को सूर्य ठंडा लग रहा हो और किसी को सूर्य गर्म लग रहा हो, ऐसा तो नहीं होगा, सबके लिए सूर्य गर्म ही है, सबके लिए जल ठंडा ही है, सबके लिए अग्नि गर्म ही है। तो यह जब विज्ञानवाद है कि सब कल्पना है, हम अपनी कल्पना से जगत बनाते हैं, अपनी वासना से जगत बनाते हैं, हम अपने अज्ञान से, मिथ्या ज्ञान से जगत बनाते हैं, तो ठीक है, जगत का कारण मिथ्या है, मिथ्या ज्ञान से हमें जगत में आते हैं, जगत में हम शरीर धारण करते हैं, परंतु जगत वास्तव में है ही नहीं, यह कथन तर्क संगत नहीं है। तर्क तो दिया है यहाँ पर कि बुद्धि से विवेचन करने पर हमें पता चलता है कि कोई पदार्थ का अपना स्वरूप है ही नहीं, घट घट नहीं है, पट पट नहीं है, वस्तु में तंतु है, तंतु भी तोड़ते जाओ, सबको तोड़ते जाओ तो सब क्या हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, अंत में शून्य में परिवेशान हो जाएगा। तो ये जो वस्तु है, जो जगत है, वह क्या है, कल्पित है, भ्रम है, विज्ञान ही विज्ञान है, यानी कि विज्ञान में जगत है,
जैसा यहां होगा वैसे ही संसार में होगा, यह विज्ञानवाद है। जैसे उसके अंदर भी ज्ञान होगा, जैसे उसकी वासना होगी, जैसे उसका चिंतन होगा, वैसे ही जगत होगा। तो वैसे ही जगत होगा, वैसे जगत दिखेगा, या सचमुच जगत ही वैसा हो गया भाई। जैसे कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो सृष्टि बदलेगी कि सृष्टि का ज्ञान बदलेगा? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहा जाता है तो उसमें क्या होगा, दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गया, सृष्टि क्या हो गई, दूसरी हो गई, दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदल कर देखिए क्या कि अग्नि ठंडी है, बदलिए दृष्टि इसमें। मिट्टी में दृष्टि करिए कि सोना है, आप उसको चिंतन करिए, सोना है सोना है सोना है, हो जाएगा सोना। भले आपको कुछ देर में ऐसा दिखने लगे कि सोना है, वो तो आभास होगा, वो भ्रम मात्र होगा, वस्तु तो ऐसे ही रहेगी। वस्तु के स्वरूप में कोई बदलाव आएगा क्या? कोई बदलाव नहीं होगा। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वस्तु में बदलाव के आधार पर नहीं कहा जाता है, वो प्रतीति के आधार पर कहा जाता है कि ऐसा प्रतीत होने लगता है। जैसे जिस प्रकार के चश्मा व्यक्ति लगाता है उस प्रकार के वस्तु दिखने लगती है। कोई हरा चश्मा लगा ले तो वस्तु सब हरी की हरी दिखने लगती है, कोई पीला चश्मा लगा ले तो सब वस्तु पीली लगने लगती है। तो वस्तु का हरा दिखना पीला दिखना वो वस्तु का वास्तविक स्वरूप बदल जाना है कि एकमात्र प्रतीति है, प्रतीति है। तो उस प्रतीति को लेकर के ये बात कही जाती है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वस्तु के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार से ये जो विज्ञानवाद है कि जैसा हम विज्ञान करेंगे, जैसी कल्पना करेंगे, वैसा जगत हो जाएगा, तो वस्तुतः जगत हो जाएगा या जगत में ऐसा आपको आभास होगा, आभास होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर विज्ञानवाद खंडित होता है। उस सूत्र के जो 26 नंबर सूत्र है कि प्रत्येक तंतु को खींच लेने के बाद पट का अस्तित्व नहीं रहता, तंतु से भी रेशा खींच ले तंतु का अस्तित्व नहीं रहेगा, रेशे से भी रुई के अंश खींच ले तो रेशे का अस्तित्व नहीं, इस प्रकार से सबका परिवर्तन शून्य में हो जाएगा। तो सब कुछ कल्पित है, इसको लेकर जो कहा गया उसके लिए महर्षि सूत्रकार ने 27 नंबर सूत्र में कहा कि व्याह तत्वाद हेतु, क्योंकि आपका कथन ही खंडित हो जाता है। आप एक बार क्या कहे, बुद्ध्या विवेचनात् भावानाम, भावानाम भाव पदार्थ को लेकर के आपने कहा कि जितने भी भाव पदार्थ हैं उसको हम बुद्धि से चिंतन करते हैं तो वो अभाव में चला जाता है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो कहते हैं कि एक बार आपने भाव कहा, भावानाम बुद्ध्या विवेचनात्, आप बुद्धि से विवेचन किसका कर रहे हो? जब अभाव है, असद है, वस्तु है ही नहीं, तो आप बुद्धि से विवेचन किसका कर रहे हैं भाई साहब? वस्तु है ही नहीं तो बुद्धि से विवेचन किसका हो रहा है? विवेचन हो ही नहीं सकता बुद्धि से यदि वस्तु है ही नहीं। यदि विवेचन हो रहा है तो फिर वस्तु है नहीं, ये कहना असंगत है। वस्तु है क्योंकि आप बुद्धि से विवेचन उसका कर रहे हो। तो इसलिए एक बार भावानाम कह करके, भाव का मतलब सदरूप है वस्तु, वस्तु है तभी उसको बुद्धि से विवेचन कर सकते हो, नहीं तो बुद्धि का विषय ही नहीं बनेगा। कोई वस्तु है ही नहीं, बंध्या का पुत्र नहीं है तो कोई बंध्या का पुत्र के विषय में विवेचन करेगा? कोई नहीं, मनुष्य का सिंह नहीं है तो मनुष्य के सिंह के विषय में कोई विवेचन करेगा? नहीं कर सकता। लेकिन आप कह रहे हो विवेचन करने से पता लगता है, तो विवेचन करने से पता लग रहा है इसका मतलब कि वस्तु है, इसलिए वस्तु असद है, अभाव है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से महर्षि ने इसका खंडन किया। आगे हम और देखेंगे किस प्रकार से महर्षि खंडन करते हैं। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।